हेलो गाइस, यू आर हार्डली वेलकम इन एडिशन वॉल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू लर्न आर इंग्लिश वर्ड मीनिंग। ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क आज लोगों के पास, कैसे याद रखेंगे इस इंग्लिश वर्ड का ये मीनिंग होता है ऐसा। तो एक मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, जिसको मैं आपको पढ़ाने के बाद समझाऊँ कि टेक्निक होती क्या है। पहले आप समझ लीजिए कि इसका काम कैसे करती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एक वर्ड याद रखना है, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। इस वर्ड की मीनिंग को याद रखना है, ठीक है। तो एक आपका तरीका है कि आप उसको रटने लगते हैं, एक एडुफन बाबा का तरीका है जो उसको थोड़ा सा सोचता है, उसके बारे में थिंक करता है। कैसे करता है देखो, प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग समझ लो पहले। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है अ पर्सन हु डिलेस इन अ वर्क, लेटर ऑन वर्क को कल परसों पर टालते जाता है। आज नहीं करेगा, अरे कल कर दे, अरे कल नहीं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ऊपर टाइम मिल रहा है। एक कहावत है ना, आज करें सो कल कर, कल करें सो परसों, अभी जितने जल्दी क्यों है, अभी तो डले हैं वर्षों। ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाला व्यक्ति ऐसा सोचता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग याद करने के लिए मैंने यह किया है, ये बंदा सो रहा है, लेटा है, लेटे लेटे सोच रहा है कि थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, पढ़ना है और एग्जाम आने वाले हैं, ये रोज ही सोच रहा है, लेकिन रोज पढ़ नहीं रहा है। रात को सोते समय सोचता है और सो जाता है, फिर सोता है अगले दिन फिर रात आती है और ये सोचता है, दिन भर मस्ती मारता रहता है, बढ़िया इधर उधर घूमता रहता है। रात का टाइम उसको याद आती है एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम उसको भी हो जाता है उसको, ठीक है। लेकिन ये उसको कर रहा है, डिले करता जा रहा है, अगले दिन फिर से यही काम आ रहा है, ये यहाँ पे कुछ रखा है उसको ड्रिंक पीने के लिए, करते सोच रहा है पीऊँ कि ना पीऊँ, थोड़ी देर से पीता हूँ, ये इस टाइप की चीज। और एक और सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है कि ही वांट टू प्रपोज समबडी, उसको किसी को प्रपोज करना है। अब इतना प्रोक्रेस्टिनेशन देखो कि सोच रहा है कि आज प्रपोज कर दें कि टुमारो कल करेंगे प्रपोज, परसों करेंगे प्रपोज, इतनी सारी चीजें, मतलब प्रपोज के लिए भी इतना वेट कर रहा है, इतना आलसी है। इसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पर्सन, अ पर्सन हु डिलेस इन अ वर्क ऑन लेटर ऑन, मतलब जो कल के लिए अपने वर्क काम को डिले करता है। डिले इन अ वर्क, क्या है? डिले इन वर्क, अ पर्सन हु डिलेस इन अ वर्क इज नोन एज अ प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मीनिंग, अब ये इमेज आपको कभी नहीं भूलोगे, करंट डेट में कह रहा हूँ, ये इमेज आपको हमेशा याद रहने वाली है, ठीक है। ये लिटरली वर्ड है, इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला होता है ओरिजिन, ओरिजिनल मीनिंग। पहला क्या होता है? ओरिजिनल मीनिंग। ओरिजिनल मीनिंग मतलब जो वर्ड है उसका रियल अर्थ क्या है, ठीक है, ओरिजिनल मीनिंग है। जैसे एक अच्छी आइडियम है जो आप पढ़ते रहते होंगे स्कूल में हमेशा, कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। आप देखना है वो काटते नहीं, तो इसका ओरिजिनल मीनिंग अगर आप लिटरली मीनिंग लेंगे तो इसका मतलब है ऐसे कुत्ते जो भौंकते हैं लेकिन काटते नहीं है। इसका कोई भी अर्थ ओरिजिनल मीनिंग में कोई भी नहीं निकल रहा है। लेकिन यदि आप इसके ट्रांसलेट को समझोगे तो इसका मतलब है ऐसे लोग कुछ करते तो है नहीं, मुंह बस चलाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ओरिजिनल मीनिंग की बात करें इसमें कोई भी इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो फर्स्ट मतलब लिटरली का मतलब क्या होता है, इसका ओरिजिनल मीनिंग, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो क्या है। ये इडियम है लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते हैं, ये उसका ओरिजिनल मीनिंग। लेकिन इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप इसका अर्थ क्या लोगे, ये इडियम है, ठीक है, कि जो बोलते हैं वो ज्यादा काम कुछ नहीं करते, बोलते बस रहते हैं, ठीक है। सेकंड मीनिंग होता है इसका किसी चीज को एम्फेसाइज करना, मतलब किसी भी चीज को जोर दे के कहना, किसी भी चीज को क्या करना, जोर दे के कहना, ठीक है। अब इसके दो मीनिंग हो गए, पहला क्या है ओरिजिनल मीनिंग और दूसरा एम्फेसाइज, मतलब किसी चीज को जोर दे के कहना। अब इसको याद कैसे करना है,
एडुकेशन बाबा का काम है। देखो किसी चीज का ओरिजिनल मीनिंग फर्स्ट याद रखना बनता है, ठीक है। जैसे ये एक बंदा है, ठीक है, ये मैंने इसके पैर बना लिए और ये इसकी आंख हो गई और ये बहुत खुश लग रहा है, हैप्पी लग रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बाहर से तो बहुत खुश दिखते हैं दिखाने के लिए, अंदर से उनके मन में क्या क्या चलता रहता है वो ही जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो हार्ट है, अच्छी से बना लेता हूँ, इसका जो हार्ट है ये भी कैसा है, खुश लग रहा है, इसका हार्ट भी खुश लग रहा है। मतलब क्या है ओरिजिनल मीनिंग, मतलब जो चेहरे पे दिख रहा है वही उसके क्या है दिल में भी है, ठीक है ना। इसको कहते हैं उस वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग, जो उसके चेहरे पे है वही उसके कहां पे दिल में भी है, जैसा अब दिख रहा है वैसा ये है, क्या है ओरिजिनल मीनिंग, ऐसे इसको याद करो, ठीक है। अब हो सकता है कि सामने वाले को अगर वो प्रपोज कर रहा है, ठीक है, अगर वो सामने वाले को समझता है कि ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है तो उस देख के समझ जाएगी कि चेहरे पे तो कुछ है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है दूसरे के बारे, ठीक है ना। तो सेकंड क्या होता है, एम्फेसाइज करना, किसी चीज पे फोकस करके बोलना, एम्फेसाइज करना, कैसे इसको बिठा दूंगा। अब जैसे ये कौन है, इसको ऐसा ये एक टीचर है, ठीक है, और ये छोटा सा स्टूडेंट है, ये यहाँ पे खड़ा है, टीचर स्टूडेंट से बोल रहा है यू हैव टू डू योर होमवर्क, आपको अपना होमवर्क कल करके लाना है, बेचारा डरा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, उसको एम्फेसाइज कर रहा है, फोर्स कर रहा है ना, फोर्स कर रहा है, उससे क्या कर रहा है जोर दे के बोल रहा है, ये क्या बोल गया एम्फेसाइज हो गया, ठीक है। आप इस तरह से देखो थोड़ा सा, क्योंकि आपको विजुअल्स ज्यादा याद रहते हैं। अभी ये थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं कि ये चीज होती क्या है, ठीक है। तो ये हो गया लिटरली का मीनिंग, अब आ जाते हैं डीड्स का। डीड्स, डीड्स मतलब होता है DEEDS, डीड्स, डीड्स का मतलब क्या होता है, लीगल, लीगल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डीड्स मतलब क्या होगा, लीगल डॉक्यूमेंट, और दूसरा होता है एन एक्शन, एन एक्शन दैट यू डू, कोई भी कार्य जो आप करते हैं तो क्या है डीड्स है, और दूसरा मीनिंग क्या है एन एक्शन दैट यू डू, मतलब कोई भी कार्य, जो भी कार्य आपके द्वारा किया जाता है कार्य, वो क्या है डीड्स है। और दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज, कानूनी दस्तावेज, कानूनी वैध दस्तावेज, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट। अब इस वर्ड को कैसे याद रखोगे, देखो जरा, लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, लीगल के लिए क्या होता है डॉक्यूमेंट कैसा रहता है, जरा देखो, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये इंक वाली है, इसमें इंक वाले पॉट में पहले जो पुराने जमाने में पेन यूज करते थे ना इंक वाले, ये इंक भरी हुई है इसमें, ठीक है, ये दोनों, और ये कुछ लिखा जा रहा है, और ये क्या हो गई वो लिखने वाला पेन, और यहां पे बना दो कुछ,
ट्रेन किया, अपना बंदा बन गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बना तो क्या है, डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा स्माइली करा दो, थोड़ा सा पेन को और बड़ा बना देता हूँ मैं आपको, क्लियर देखिए, रेड से बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह का आप थोड़ा सा क्या करो, सोचने की कोशिश करो, कैसे थिंक करते हो, कोई भी वर्ड और उसका मीनिंग उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो, तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी। ठीक है ना डियर फ्रेंड्स, और अदर तरीके भी हैं, तो इस तरह अदर तरीके भी हैं, लेकिन वो मैं दूसरी क्लास में आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। आज के लिए मैं इतने वर्ड, एक्चुअली मेरा पर्पज जो है आपको वर्ड मीनिंग सिखाना नहीं, मेरा पर्पज ये है कि आपको वर्ड मीनिंग आप कैसे सीखें, कैसे मेमोराइज करें, ये सिखाना है। अगर आप ये सीख गए तो बाकी सब चीज़ें आप खुद से सीख जाओगे। तो आपको ये छोटे छोटे से इमेजेस बनाना आना चाहिए, और ये इमेज इतना सिंपल है कि आपको बहुत बड़े आर्टिस्ट हो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो तब भी आप इसको आसान ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो मैंने एक गोल बना दिया, उसके अंदर मुंह बना के ऐसा कर दिया, इसको उल्टा दिया, इसको कुछ मुंह में डॉक्यूमेंट बना दिया इसके, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप अगर करोगे तो आपको वो चीज़ें बहुत जल्दी और इजीली याद हो जाएंगी। और यही एडुकन बाबा का मकसद है कि आप मस्ती से पढ़ते रहें, मजे करते रहें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इस टेक्निक से हमें क्यों फायदेमंद है, क्योंकि अब आप आपको मालूम होगा कि जब भी आप किसी चीज़ को विजुलाइज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब कोई इमोशन और फीलिंग को आपके जैसे अगर आपने, मैं आपको बताता हूँ, जब आपने अगर किसी लड़की को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, अगर किसी लड़की को फर्स्ट टाइम प्रपोज कर रहे हैं, तो उसके जो विजुअल्स हैं, उस टाइम की इमोशन है, आपकी मेमोरी में जाके सेव हो जाते हैं, और ये विजुअल्स उसी मेमोरी में, वहीं ब्रेन में, उस पार्ट में जाके सेव होते हैं जहाँ पे सारे विजुअल्स जाके सेव होते हैं। और ये क्या होता है, एक स्ट्रांग मेमोरी होती है जो आप नेवर लास्टिंग, आप लाइफ किसी भी टाइम पर नहीं भूलते, आप जब चाहे उसको रिमाइंड कर सकते हैं, आप चाहें के भी नहीं भूल पाते हो। ऐसा क्यों होता है, कुछ चीज़ें हम चाह के भी नहीं भूल पाते, कुछ चीज़ें हम अपने आप भूल जाते हैं, जैसे पढ़ाई का काम हो गया ये तो वैसे ही भूल जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हम भूलना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं भूल पाते, क्योंकि वो स्ट्रांग इमोशन है और उसके जो विजुअल्स हैं वो आपकी मेमोरी में जाके सेव हो गए। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उन विजुअल्स को, उन मेमोरीज को बार बार रिमाइंड करते रहते हैं। जैसे अगर आप किसी दूसरी लड़की को प्रपोज करने जा रहे हैं, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया था तो आप सोच रहे हैं मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मूव ऑन जब करते हैं आप, तो उसके सामने दूसरे के पास जाएंगे तो आपके पास यही जो मेमोरीज पुरानी वाली है जो उठ के आपके माइंड में चलेंगे, अरे हमने उसको ऐसा किया था तो उसने ऐसा कहा था, अब क्या होगा, वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये सारी फीलिंग्स जो है उस टाइम आपके मन में आती रहती है, ठीक है ना। तो और जब भी आप अगर खाली समय पर बैठे हो तब भी ये मेमोरीज आप बार बार उसको रिमाइंड करते रहते हो, क्योंकि आप इन चीज़ों को रिमाइंड करते रहते हो, वो प्यार लम्हों को रिमाइंड करते रहते हो, इसलिए वो आपकी मेमोरी में परमानेंट सेव हो जाती है। लेकिन हम कभी एजुकेशन वाले चीज़ों को बार बार रिमाइंड नहीं करते। अगर आप तो आप खाली बैठे तो आप कभी नहीं सोचोगे कि हम वर्ड मीनिंग को रिमाइंड कर दें, तो अच्छा सोचना चाहोगे। इसलिए जब जब आपको थोड़ी सी चीज़ों को विजुलाइज करोगे, उसको बार बार रिमाइंड करोगे, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप ऐसा करोगे तो आपको आपकी मेमोरी ऐसी हो जाएगी, आइंस्टीन से अच्छी हो जाएगी, आईक्यू ऐसा हो जाएगा, ये सब फालतू बातें हैं, इस पर ध्यान मत दिया करो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो और अपने टारगेट पे ध्यान दो, ठीक है ना। ये एडुकन बाबा का पर्पस भी यही है अपना। इस टाइप की अगर विजुलाइजेशन आप टेक्निक का यूज करते हो किसी भी चीज को पढ़ने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, इस टाइप की अगर विजुलाइजेशन टेक्निक यूज करते हो, अगर आप अदर सब्जेक्ट के बारे में भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, तो मैं अदर सब्जेक्ट को भी कैसे मेमोराइज करूँ, फिजिक्स, इवन फिजिक्स को भी मैं डायमेटिकली आपको कितना बेहतर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आशा है कि आपको पसंद आया होगा, आया है तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।